हकीकत में कामयाबी जो है वो धरने से नहीं बल्कि कुछ करने से आती है। जमहूरियत को नवाज शरीफ की बादशाहत से खतरा है। पार्लियामेंट में अपने बेटे के साथ इसलिए नहीं आ रहा कि मैंने आपसी की कुर्सी खींच लेनी है, मेरा मकसद है आपको भी समझाएं। अल्ताफ हुसैन साहब से हमारा मुकम्मल कतई ताल्लुक है। आप देख रहे हैं खबरों तबसरों और तज़ियात पर मबनी पाकिस्तान का सबसे मोतबर न्यूज शो दुनिया कामरान खान के साथ। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मसूद रजा। कामरान खान साहब निजी मसरूफियत की वजह से आज मौजूद नहीं है, लिहाजा प्रोग्राम की मेजबानी के फराइज मुझ पर हैं। कराची में रेंजर्स इख्तियारात का मामला, ये मामला माजी में उलझता रहा है लेकिन इस दफा सिर्फ ये मामला उलझा हुआ नहीं है बल्कि ज्यादा उलझा हुआ और ज्यादा पेचीदा होता चला जा रहा है। कराची में रेंजर्स के खुसूसी इख्तियारात की मुद्दत 5 रोज काबिल हफ्ते को खत्म हो गई। हर बार की तरह इस बार सिंध हुकूमत की जानिब से ताखीर फिर की जा रही है, एक मरतबा फिर इसमें ताखीर हमें नजर आ रही है और रेंजर्स इख्तियारात में तौसी की समरी ताहाल विफाकी हुकूमत को नहीं भेजी गई है। रेंजर्स इख्तियारात में आखिरी बार 90 दिन की तौसी 19 जनवरी को की गई थी। सिंध हुकूमत ने पिछले साल अगस्त में आइन के आर्टिकल 147 के तहत रेंजर्स को सिंध में 19 जुलाई 2017 तक क्याम की इजाजत दी थी जो अब भी हासिल है, लेकिन सिर्फ कराची डिवीजन के लिए पुलिसिंग के खुसूसी इख्तियारात जुमे को खत्म हो चुके हैं। वजीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह की जेर सदारत आज एक अहम इजलास हुआ और इस इजलास में फैसला किया गया कि सिंध को खुसूसी इख्तियारात देने के मामले को अगले हफ्ते काबीना में ले जाया जाएगा, यानी सिंध काबीना में अब ये मामला डिस्कस होगा जिसके बाद इस पर कोई हतमी फैसला किया जाएगा। जराए बताते हैं कि ATA के तहत हासिल इख्तियारात खत्म होने पर रेंजर्स की व्हाट्सएप और ईमेल सर्विसेज गैर फाल हो गई हैं। इसी तरह रेंजर्स हेल्पलाइन जबकि दहशतगर्दों और जराइम पेशा अनासिर के खिलाफ बनाई जाने वाली 1101 लाइन ने भी काम बंद कर दिया है। विफाकी वजीर दाखला चौधरी निसार अली खान ने सिंध में रेंजर्स की इख्तियारात के हवाले से कहा है कि इस मामले को हर बार सियासी बना दिया जाता है। कराची में अमन बहाल करने के में बड़ा कलीदी किरदार अदा किया है, शहादतें हुई हैं, इंजरीज हुई हैं और ओवर एंड अबव देयर कॉल ऑफ ड्यूटी रेंजर्स के जवानों और अफसरों ने एक बहुत बड़ा किरदार अदा किया है। इस काम को जारी रहना चाहिए और ये सिर्फ मैं बतौर वजीर दाखिला नहीं कह रहा, ये कराची का बच्चा बच्चा कह रहे हैं, ये पाकिस्तान के अवाम कह रहे हैं, क्योंकि कराची का दिल, पूरे पाकिस्तान का दिल धड़कता है कराची के दिल के साथ। बदकिस्मती है कि इसको हर दफा मसला बनाया जाता है। जी, हर दफा मसला बनाया जाता है, यही नहीं बल्कि आज विफाकी वजीर दाखला चौधरी निसार अली खान ने गवर्नर सिंध से मुलाकात की और इस मुलाकात में जो गुफ्तगू हुई उसमें ये कहा गया कि रेंजर्स को कराची में बगैर इख्तियारात के खड़ा नहीं किया जाएगा, यानी इख्तियारात होंगे तो रेंजर्स काम करेगी। इस जमीन में रेंजर्स को खुसूसी इख्तियारात के हवाले से पीपल्स पार्टी के शरीक चेयरमैन आसिफ अली जरदारी ने कल एक इंटरव्यू में कहा कि रेंजर्स के इख्तियारात का मामला कुछ लो और कुछ दो के उसूल पर तय होगा। आपने उनके साथ कोऑपरेट करना है, उन्हें आपके साथ कोऑपरेट करना है। अगर वो ऑप्शन सीएम के साथ कोऑपरेशन उनकी कुछ मजेदार नहीं है तो सीएम विल आल्सो से कि भाई व्हाई शुड आई गिव यू पावर्स ऑन माय पॉलिटिकल कैपिटल। टोटली द सीएम्स प्रेरोगेटिव कि वो क्या देख रहे हैं, किस तरह देख रहे हैं। अगर वो सीएम सोच रहे हैं कि उनको जरूरत भी है और उनके साथ कोऑपरेशन भी हो रही है, बिकॉज इट्स अ गिव एंड टेक, इट्स नॉट अ टेक 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 सिचुएशन। कुछ लो और कुछ दो पे मामला तय होगा, ये सब क्या है, कैसे होगा, क्या सोच रही है सिंध हुकूमत मालूम करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं हमारे नुमाइंदे खुसूसी और बाखबर सहाफी जनाब इख्तियार खोकर। इख्तियार साहब बहुत शुक्रिया आपका। क्या सोच क्या रही है सिंध हुकूमत और ये क्या है, कुछ लो कुछ दो? जी मदद साहब, ये मामला बहुत इस वक्त ज़्यादा गंभीर नज़र आ रहा है। आज जो डेवलपमेंट हुई है वो काफ़ी अहम हुई है।
आज वजीर लसिन की सदारत में सी एम हाउस में एक इजलास हुआ है बहुत अहम, जिसमें सूबाई सेक्रेटरी भी थे, कुछ अहम वजरा भी थे। उस इजलास में ये तय किया गया है कि अब पहली बार रेंजर्स के इख्तियारात के मामले पर आइंदा हफ्ते सिंध काबिना का एक खसूसी इजलास तलब किया जाएगा, और उसके बाद इस इजलास के नतीजे में आज दो खतूत से सूबाई महकमा दाखिला ने रेंजर्स के डायरेक्टर जनरल को लिखे हैं। उनमें से एक खत में उन्होंने कहा गया है कि रेंजर्स अपने पिछले 6 माह की जो कारकर्दगी है, जो 80A Act के तहत उन्होंने जो कारकर्दगी जो कराची में जो ऑपरेशन किया है, वो 6 माह की रिपोर्ट हुकूमत सिंध को फराहम करे। असल में ये रिपोर्ट जो है वो ले जाएंगे सिंध काबिना के इजलास में, उसको डिस्कस करेंगे। उसके अलावा एक दूसरा अहम खत ये लिखा है और उसमें ये कहा गया है कि रेंजर्स फौरी तौर पर ये मैंडेट नहीं रखती कि वो जो अहम तनसीबात हिसास तनसीबात जो सूबे में हैं उन पर जो तैनात है तो वो उनको खुद ब खुद विड्रा हो जाए, क्योंकि कल डायरेक्टर जनरल रेंजर्स ने एक खत लिखा था सिंध के होम सेक्रेटरी को और उसमें उन्होंने ये बात कह दी थी क्योंकि हमारे पास इख्तियारात नहीं है, इसलिए आज सुबह से जो आज सुबह जो गुजर गई हम रेंजर्स को विड्रा कर लेंगे। तो आज उन्होंने सिंध हुकूमत ने उसका जवाबी खत लिख दिया है और उसमें उन्होंने कहा है कि आपको आइन के 147 के आर्टिकल के तहत जिसके तहत लाया गया है उसके तहत सिंध आपको मैंडेट है कि सिंध गवर्नमेंट आपको पाबंद करती है कि आप या इन तनसीबात से रेंजर्स को हटा नहीं सकते। तो रेंजर्स को सिंध गवर्नमेंट हटाना भी नहीं चाहती, अब महसूस भी करती है कि इनकी जरूरत है, लेकिन वो उनको वो अख्तियारात भी नहीं लेना देना चाहती जो इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट के तहत पुलिसिंग के अख्तियारात जो उनके पास है कराची में उनको दिए गए थे वो देने के लिए अब मामला को जो है ज्यादा मतलब उलझाने की या उनको बदीद देखने की कोशिश की जा रही है। अभी जरदारी साहब की जो हमने गुफ्तगु सुनाई और गुज़श्ता रोज का ये इंटरव्यू है जो उसमें जो वो बात कह रहे हैं कि अब मामला सिर्फ इस पर नहीं होगा कि अब कुछ लो और कुछ दो पर बात होगी, ये क्या मामला है? असल में ये मामला ये है कि रेंजर्स के और सिंध हुकूमत के दरमियान जो मामलात और तनाजा है वो नशे व फराब का एक सिलसिला रहा है उनका, तकरीबन पिछले 1.5 बरस से ये सूरत आ रही है डॉक्टर आसिम की गिरफ्तारी के बाद। ये एक अब ये हालांकि ये एक अमन अमान का मसला है, टोटल एक सिक्योरिटी हिफाजती नोयत का मामला है रेंजर्स का, यहाँ रहना ऑपरेशन करना दहशतगर्दों को पकड़ना, लेकिन अब ये सियासी बन गया है, ये सियासी मामला हो गया है क्योंकि डॉक्टर आसिफ की गिरफ्तारी के बाद और उसके बाद उजैर बलोच और फिर इनके दूसरे पीपल पार्टी के लोग या जब रेंजर्स ने छापे मारे KMC पे KDA पे रिकार्ड ले गए तो ये एक जहाँ बाद में एक बहुत बड़ा वाकया हुआ सुहेल अनवर सियाल जो सूबाई वजीर हैं उनके एक करीबी साथी थे असद खर पिछले साल जुलाई में उन पर उनको गिरफ्तार किया गया तो उस पर सिंध हुकूमत ने ये इख्तियारात रोकती रही और उस पर डिले करती रही। फिर बाद में ये मामला सिंध असेंबली में ले जाया गया और वजीर अला सिंध तब्दील हो गए, सैयद कायम अली शाह जुलाई में तब्दील हुए और सैयद मुराद अली शाह साहब आए और उसमें सैयद कायम अली शाह की तब्दीली के लिए भी एक रीजन ये भी बताया जा रहा है कि वो उनके हालांकि ऐसी कोई बात नहीं थी, उनके बहुत अच्छे ताल्लुकात थे रेंजर्स से और आर्मी के जो पर्सनल, मगर लेकिन ये स्टैंड नहीं लेता। पीपल्स पार्टी के कुछ लोग हैं जिनके नाम करप्शन में आए, उनके खिलाफ कार्रवाइयां हैं, कुछ लोग गायब भी हैं, उनके बारे में पता नहीं चल रहा। आपको मैं बताना चाह रहा था जरदारी साहब के करीबी साथी, तो इन तमाम मामलों को लेकर क्या पीपल्स पार्टी की क़यादत दबाव का शिकार है, मामला क्या है? यही आपको मैं बताना चाह रहा था कि ये मामला तो पहले भी मतलब रहा है कि किसी तरह से रेंजर्स को मतलब पाबंद किया जाए कि वो इस पॉलिटिकली उनको टच ना करे, पीपल पार्टी के मामलों को टच ना कर। अब ये है कि आसिफ अली जरदारी साहब के करीबी साथी जो है वो तीन वो गायब हैं, उनका ये ख्याल है कि उनको इदारे ले गए हैं सिक्योरिटी इदारों के पास है वो, और आसिफ दारीन साहब ने खुद भी कह दिया कि वो सूबाई हुकूमत के पास नहीं है, वो वफाकी इदारों के पास है। तो अब वो इस मामले पर मतलब मामले पर लेन देन करना चाहते हैं और ये सिंध काबिना में ले जाने का मकसद भी यही है ना कि हालांकि वो कहते हैं सिंध काबिना में कोई एक शख्स ना हो जिस पर जिम्मेदारी आ रही हो, सिंध काबिना में पूरी जिम्मेदारी। देखे ना ये मामला सिंध काबिना में पहले भी तो ले जा सकता है ना, वो कहते हैं कि जी एक्ट में यह है कि गवर्नमेंट ये फैसला करे, गवर्नमेंट जो है काबिना और वजीरा मिलकर गवर्नमेंट की डेफिनेशन में आते हैं, तो वो हालांकि ये अगर थी जरूरत तो पहले भी जाया जाता, लेकिन अब ये काबिना में ले जाने का मकसद ये है कि वहाँ डिस्कस करेंगे, वहाँ आपको पता है कि काबिना में फिर ये मामला बनेगा, और ये जो बात हम प्रेशर डेवलप होगा। बहुत बहुत शुक्रिया, जैसा कि हमने शुरू में कहा कि मामला सिर्फ पेचीदा नहीं बल्कि बहुत ज्यादा पेचीदा है, और सवाल यह है कि अगर कुछ लो और कुछ दो का मामला है तो सिंध का असल मसला, कराची का असल मसला, लॉ एंड ऑर्डर, कराची ऑपरेशन,
ये सब कुछ सामने है या नहीं, या सिर्फ कुछ लो और कुछ दो इस वक्त सामने है। यहाँ पर एक ब्रेक लेंगे और ब्रेक ले के बाद जब वापस आएंगे तो कराची के ट्रैफिक के हवाले से बात करेंगे, कुछ बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हैं जो आपके साथ शेयर करेंगे। वेलकम बैक। कराची में जहां बहुत से मसाइल हैं, वहां यहां का ट्रैफिक भी एक बहुत बड़ा मसला है जो कि बेहंगम है और इसकी बेहंगमी बढ़ती चली जा रही है। बहुत सारी वजूहात हैं जिनका अगर हम जिक्र करना चाहें तो काफ़ी देर लग जाएगी। कुछ चीदा चीज़ें हैं जिसका हम यहां पर जिक्र करते चलें। कराची के ट्रैफिक का मामला जब इस पर बात होती है तो सबसे पहले रोड और सड़क की कंडीशंस पर बात होती है कि सड़कों की हालत ज़ार क्या है। यकीनी तौर पर चंद सड़कें बनाई जा रही हैं कराची में, लेकिन अक्सर यह सड़कें ऐसी हैं जिनकी हालत बहुत ख़राब है। कराची में जो कारपेटिंग है, रोड कारपेटिंग, तकरीबन 27,000 किलोमीटर की कारपेटिंग है और अक्सरियत ऐसी है जिसमें टूट फूट है और तवील अरसे से उनकी मेंटेनेंस नहीं की गई है। इसी तरह से अगर हम बात करें गाड़ियों की कंडीशंस की, तो गाड़ियों की जो मेंटेनेंस है, गाड़ियों की जो फिटनेस है, उसके हवाले से शदीद मसाइल हैं। फिटनेस का इदारा सही तौर पर काम नहीं करता, गाड़ियों की फिटनेस नहीं होती, पब्लिक ट्रांसपोर्ट मौजूद नहीं है जिसकी वजह से प्राइवेट गाड़ियां बहुत सारी सड़कों पर हैं और लोग मजबूर हैं कि वो प्राइवेट गाड़ियां इस्तेमाल करें क्योंकि उनके पास अल्टरनेट मौजूद नहीं है। इसी तरह इंक्रोचमेंट बहुत बड़ा मसला है जो फुटपाथों से उतर कर अब सड़कों तक आ गया है और गाड़ियों को जगह नहीं मिलती। इन तमाम मसाइल को सही करने के लिए, रोकने के लिए, कानून पर अमल कराने के लिए, कानून की पासदारी के लिए हुकूमत इदारे बनाती है और इदारे काम करते हैं। कवानीन की पासदारी क्यों नहीं होती? हर साल 1,500 शहरी हादसात के बायस अपनी जान से चले जाते हैं, ट्रैफिक हादसात बढ़ गए हैं, इनकी वजूहात क्या हैं? देखते हैं दुनिया न्यूज़ के नुमाइंदे खुसूसी फैसल शकील की रिपोर्ट। शहर में कई सौ सिग्नल्स और अहम चौराहे हैं जहां ट्रैफिक पुलिस एहलकार ड्यूटी देते हैं। सार्जेंट मेहताब अली गुज़िश्ता 30 साल से महकमा पुलिस में चिलचिलाती धूप और धुएं में 12 घंटे की ड्यूटी करते हैं। कानून पर अमल ना करने वालों से तकरार मामूल है। भाई इसमें डॉक्यूमेंट्स तो होंगे ना गाड़ी में? आप यहाँ से लेफ्ट ले रहे थे? नहीं सर, हम सिक्योरिटी आ रहे थे। नहीं सर, आप रेलवे मुलाजिम को माफ तो नहीं है कि वो हेलमेट नहीं पहनेगा? सार्जेंट मेहताब अली कहता है आवाम शॉर्टकट के चक्कर में अपनी और दूसरों की जान खतरे में डालती है। ये बाहर के किसी मतलब फॉरेन चले जाएं, दुबई वगैरह चले जाएं, तो यकीनन वहाँ ये डिसिप्लिन अख्तियार करते हैं और वहाँ के कानून की खिलाफ वर्जी नहीं करते। या कानून की खिलाफ वर्जी करेंगे तो हादसा तो होंगे। ट्रैफिक हादसा मामूल बन चुके हैं। गफलत, लापरवाही, जल्दबाजी, बेहंगम ट्रैफिक और ट्रैफिक कवानीन की पासदारी ना हो तो ट्रैफिक हादसा रोनुमा होते ही हैं। अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक कराची में हर साल ट्रैफिक हादसा में 1500 शहरी जान से जाते हैं। जरा सी गफलत और लापरवाही की वजह से अपने पीछे अहले खाना को रोते छोड़ जाते हैं। मेरा बच्चा मोहम्मद जुबैर 25 साल का था, एक्सीडेंट में इंतकाल हो गया। उसका 40 दिन में तड़पता रहा, उसके सर पे चोट लगी थी, हॉस्पिटलों के धक्के खाता रहा। मैं उन माँ बाप से रिक्वेस्ट करता हूँ जिनके बच्चे छोटे हैं, उनको बाइकें ना दे। प्लीज खुदा रहा हाथ जोड़ के उन माँ बाप से अपील करता हूँ कि अपने कम सिन बच्चों को बाइकें ना दे। कराची में 88 ट्रैफिक सेक्शन हैं। इन सेक्शंस पर तैनाती के लिए लाखों रुपए रिश्वत और सिफारिश की जरूरत होती है। इन सेक्शंस का इलाके के हिसाब से लाखों रुपए भत्ता भी फिक्स है, जिसे बीट कहा जाता है। सड़कों पर ट्रैफिक पुलिस एहलकारों की लूटमार किसी से ढकी छुपी नहीं। शिकार की तलाश में एहलकार मोटरसाइकिल और छोटी गाड़ी वालों को पकड़ते हैं। ट्रैफिक वाला रोकते हैं, बोलते हैं भाई लाइसेंस दिखाओ, ये दिखाओ, वो दिखाओ, जबकि सब चीजें कंप्लीट भी होती हैं, उसके बावजूद भी आपको पता है माल चलता है। शनाख्ती कार्ड ले लेते हैं, बोलते हैं 500 रुपए का चलान कराओ या 400 का कराओ या 100-200 रुपए दो, फिर जान छोड़ते हैं। रिश्वत खोरी के खात्मे के लिए ट्रैफिक पुलिस ने ई टिकटिंग शुरू की। यही नहीं, कानून शिकनों को सबूत के साथ पकड़ने के लिए TVS सिस्टम के जरिए चालान भी किए जा रहे हैं। रवा साल
तीन माह में 5 लाख से ज्यादा चालान किए जा चुके हैं। 2 करोड़ से ज्यादा आबादी वाले शहर कराची में 40 लाख गाड़ियां रजिस्टर्ड हैं। 1 लाख माल बरदार गाड़ियां रोजाना दूसरे शहरों से कराची आती हैं। ट्रैफिक पुलिस की टोटल नफरी 3500 है जो 2 शिफ्टों में काम करती है, यानी सिर्फ 1700 अहलकार 1 शिफ्ट में ट्रैफिक कंट्रोल करते हैं। ट्रैफिक पुलिस के मसाइल अपनी जगह, लेकिन अगर आवाम की जेबों से चालान की मद में लिए जाने वाले करोड़ों रुपए अगर ट्रैफिक की इस्लाहत पर खर्च किए जाएं, तो ट्रैफिक की रवानी में बेहतरी और हादसात में कमी आ सकती है। वेलकम बैक। अमेरिका की पाकिस्तान के हवाले से नई पॉलिसी क्या होगी? अमेरिका में नई क्यादत आई है, उसकी नई सोच है, और अब पॉलिसी में क्या कोई तब्दीली होगी या नहीं? एक ट्रेलर हमारे सामने मौजूद है। जब अमेरिकी कौमी सलामती के मुशीर मैक मास्टर पाकिस्तान आए, उससे पहले वो अफगानिस्तान गए, वहाँ पर उन्होंने एक बयान दिया, पाकिस्तान का दौरा किया और अब नई दिल्ली में है। और जिस तरह की यहाँ पर मुलाकातें रहीं और जो गुफ्तगू, जो बयान सामने आए, उसकी रोशनी में समझना ज़रूरी है कि किस तरह के रिलेशन पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान अब होंगे। भारत के वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी से और नेशनल सिक्योरिटी के मुशीर अजीत दोवल से मुलाकात की है मैक मास्टर ने, और भारतीय मीडिया के मुताबिक मुलाकात में दोनों ममालिक के दरमियान इंसदाद दहशतगर्दी और स्ट्रेटेजिक तआवुन पर बातचीत हुई है। मैक मास्टर ने भारत को अमेरिका का अहम दिफाई पार्टनर करार दिया है। ट्रंप इंतजामिया के किसी भी आला तरीन अहदेदार का ये इस खत्ते का पहला दौरा है, जिसका आगाज़ उन्होंने अफगानिस्तान से किया। काबुल में उन्होंने पाकिस्तान पर तनकीद करते हुए कहा कि अपने मफादात के तहफ्फुज़ के लिए सिफारतकारी से काम ना लेना और तशद्दुद पर मबनी प्रॉक्सी वार जारी रखना, इससे काम नहीं बनेगा। पाकिस्तान पर उनकी ये तनकीद थी। As all of us have hoped for many कई बरसों से हम पुरुमीद हैं कि पाकिस्तानी रहनुमाओं को ये बात समझ आ जाएगी कि ये उनके अपने मफाद में है कि वो दहशत गर्दों के खिलाफ बिला इम्तियाज कार्रवाई करें, अफगानिस्तान या कहीं और। उनका मफाद सिर्फ सिफारतकारी से हासिल हो सकता है, तशद्दुद पर मबनी प्रॉक्सी के इस्तेमाल से नहीं। इसके बाद अमरीकी कौमी सलामती के मुशीर लेफ्टिनेंट जनरल मैक मास्टर ने गुज़िश्ता रोज़ वज़ीर आज़म मोहम्मद नवाज शरीफ से मुलाकात की। उन्होंने GHU में आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से अलहदा मुलाकात की, और आज जारी होने वाले ISPR के एक प्रेस रिलीज के मुताबिक जो बयान हमारे सामने, उसमें कहा गया है कि अमरीकी मुशीर को बताया गया कि पाकिस्तान अपनी सरजमीन पर प्रॉक्सी वॉर के लिए इस्तेमाल करने की इल्ज़ाम जो लगाए गए हैं, इसे मुस्तरद करता है। पाकिस्तान खुद दहशतगर्दी का शिकार है, मुल्क के कोने कोने में हर तरह के दहशतगर्दों के खिलाफ बिला इम्तियाज़ कार्रवाइयाँ की जा रही हैं। बयान के मुताबिक इस मौके पर अमरीकी कौमी सलामती मुशीर ने कहा कि दहशतगर्दों और उनके इंफ्रास्ट्रक्चर के खात्मे के लिए पाक फौज की कोशिशें काबिल सताइश हैं। अमरीकी मुशीर ने आर्मी चीफ को यकीन दिलाया कि अमरीका खित्ते में क़याम अम के लिए अपना तआवुन जारी रखेगा। इसकी मजीद वजाहत कौमी सलामती के मुशीर नासिर खान जंजुआ ने इस्लामाबाद में मुनक़दा तकरीब में खिताब करते हुए कही। डबल गेम, दुनिया ये नहीं समझ पा रही कि अगर हम अफगान तालिबानों के साथ होते तो पाकिस्तानी तालिबान हमारे साथ क्यों लड़ते, तो कहां है वो डबल गेम? हम अफगान तालिबानों को अपनी सरजमीन इस्तेमाल करने से रोकते हैं तो तभी वो लड़ते हैं। पाक अमरीका ताल्लुकात किस तरफ जा रहे हैं, कैसे होंगे, बात करेंगे जाहिद हुसैन साहब से, सीनियर सहाफ़ी और तजज़ियाकार। बहुत बहुत शुक्रिया जाहिद हुसैन साहब। जब मैक मास्टर पाकिस्तान तशरीफ लाए, वज़ीर आज़म से मुलाकात की, तो तासुर ये था कि बड़ी अच्छी और बड़ी मुस्बत मुलाकात है, लेकिन जब आज हमारे सामने प्रेस रिलीज मौजूद है ISPR की, तो लगता यह है कि मामला इतने अच्छे नहीं है जितने अच्छे सामने नजर आ रहे थे या दिखाए जा रहे थे, क्या कहेंगे आप? देखिए, ये तो इनका किसी भी ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के किसी आला अहदेदार का ये पहला दौरा था इस खित्ते में, और अभी तक जो है ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के साउथ एशिया के बारे में या अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बारे में जो पॉलिसी है उसके खदोखाल अभी तक कोई साफ नजर नहीं आ रहे थे। लेकिन चंद चीजें तो बहुत वाजे थी शुरू से,
के जो है वो अमेरिका की पॉलिसी पाकिस्तान के बारे में बहुत ज्यादा तब्दील नहीं होगी जो चली आ रही थी ओबामा एडमिनिस्ट्रेशन के जमाने से। और मैं समझता हूं कि ये दबाव जो पहले भी था पाकिस्तान पे और अब भी जारी रहेगा। असल मसला जो आता है वो ये है कि बावजूद इसके कि पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान खासी चीज़ों पे इख्तलाफ है जिसका इजहार जो है इनके बयानात से भी आते हैं, लेकिन उसके साथ साथ एक और चीज़ भी है वो ये है कि दोनों ममालिक के बाज़ मफादात इस रीजन में यकसा भी हैं वो अफगानिस्तान के हवाले से। पाकिस्तान की ज़रूरत है अमेरिका को क्योंकि पाकिस्तान के बगैर जो अफगानिस्तान की सूरत हाल बेहतर नहीं हो सकती है। पाकिस्तान के कुछ तहफ़ुज़ात ज़रूर हैं और वो तहफ़ुज़ात भी दूर करने पड़ेंगे वो अफगानिस्तान के हवाले से हैं क्योंकि ये पाकिस्तान के अंदर सबसे बड़ा जो मसला अफगानिस्तान के साथ जो अब आ रहा है वो ये है कि जो पाकिस्तानी तालिबान या पाकिस्तान के दहशतगर्द यहाँ पर कार्रवाई करने के बाद जो है वो अफगानिस्तान में उनको पनाह मिलती है। तो ये जो है मेरे ख्याल ये कि दोनों ममालिक के जो मुफाद में है वो ये है कि दोनों अपने इलाकों में कोई सेंचुरी बनाने की इजाज़त ना दें। और मेरा ख्याल ये है कि यही एक रास्ता है जिससे दोनों ममालिक के ताल्लुकात बेहतर हो सकते हैं और अब देखना यह है कि क्या उस पर अमल दरामद होता है। ठीक, मेक मास्टर जब यहाँ पर आए अफगानिस्तान में थे उन्होंने पाकिस्तान पर तनकीद की थी, फिर यहाँ से वो इंडिया चले गए हैं, वहाँ से अभी मजीद बयान आएंगे, बातें खुलेंगी सामने। जो मुख्तसर सा ये दौरा हमारे सामने मौजूद है अफगानिस्तान और पाकिस्तान का, इसको देखते हुए हम क्या प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि खलीज पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान बढ़ेगी या कम होगी? मुझे नहीं लगता है कि खलीज बढ़ेगी। देखिए, जैसे पहले मैंने कहा कि अगर इस इलाके में जो है अगर अमन लाना है तो पाकिस्तान के जो है एक लिहाज से कोऑपरेशन के बगैर ये मुमकिन नहीं हो सकता है। और बेखल पाकिस्तान के अभी ये मफाद इसी में है कि जो है वो जहाँ जहाँ जो है आपके मफादात मिलते हैं उसमें तआवुन किया जाए। तो ये तो एक प्रेशर पाकिस्तान पे ज़रूर रहेगा और वो प्रेशर जो है वो थोड़ा बहुत और बढ़ सकता है उसकी जो है अगर अफगानिस्तान की सूरत हाल ज़्यादा ख़राब होती है तो फिर यकीनी तौर पे पाकिस्तान पे थोड़ा सा प्रेशर पड़ेगा। लेकिन मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान ने जो है हमेशा इस बात का अंदिया दिया है कि अगर अफगानिस्तान के साथ ताल्लुकात बेहतर होते हैं और जो है मुश्तरका एक मफादात भी मौजूद हैं अगर वो हल करते हैं तो मेरा ख्याल ये है कि फिर ताल्लुकात की नौईयत भी बदलेगी। दूसरी तरफ जो है वो हिंदुस्तान के साथ जहाँ तक भारत का हिंदुस्तान के साथ ताल्लुकात का है अमेरिका का तो उसमें भी बहुत बड़ी तब्दीली आने नहीं जा रही है। अमेरिका का भारत स्ट्रेटजिक पार्टनर है बहुत दिनों, मतलब अभी की बात नहीं है बल्कि ये कि एडमिनिस्ट्रेशन या उससे पहले बुश एडमिनिस्ट्रेशन के आखिरी दौर में हिंदुस्तान के साथ ताल्लुकात अमेरिका के बेहतर हुए थे और मजबूत भी हुए थे, उनके कुछ मफादात भी हैं। लेकिन मेरा ख्याल ये है कि अब सूरत हाल ये नहीं है जो पहले हुआ करती थी। वो एक बहुत अरसे पहले जो है अमेरिका ने पाकिस्तान और भारत के साथ अपने ताल्लुकात को अलहदा अलहदा नज़रों से देखना शुरू किया था और मेरा ख्याल वही पॉलिसी इसकी जारी रहेगी। यकीनी तौर पे उसके कुछ तहफ़ुज़ात ज़रूर होंगे, अमेरिका के कुछ कंसर्न भी मौजूद हैं जो इस हवाले से जो यहाँ पे कशीदगी बढ़ रही है हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान रही है उसके हवाले से यकीन तौर पे एक तहफ़ुज़ात मौजूद हैं। उनके एक इंडिया ये भी मिला था चंद हफ्तों पहले, कोई बयान आया था वहाँ पे स्पोक्समैन का फॉरेन सेक्रेटरी के लेवल पे, तो उन्होंने ये कहा था कि जो है वो अमेरिका जो है वो खामोश नहीं बैठेगा इस्तेहाल हाल की सूरत में। लेकिन मैं नहीं समझता हूँ कि अमेरिका कोई बहुत ज़्यादा जो है यहाँ पे अपने आप को इन्वॉल्व करेगा पाकिस्तान और हिंदुस्तान के ताल्लुकात के हवाले से। बहुत शुक्रिया आपका जाहिद हुसैन साहब, सीनियर सहाफ़ी और तजज़ियाकार हमारे साथ मौजूद, अमरीका के पहले ऑफिशल्स मेक मास्टर पाकिस्तान अफगानिस्तान और भारत का दौरा कर रहे हैं और इसके बाद अमेरिका की पॉलिसी किस तरह से होगी हमें शायद आने वाले कुछ दिनों में पता चले। यहाँ पे एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद हेडलाइंस और हेडलाइंस के बाद एक पड़ता फिर प्रोग्राम जारी रहेगा। आप देख रहे हैं खबरों तबसरों और तज्जियात पर मबनी पाकिस्तान का सबसे मोतबर न्यूज शो दुनिया, कामरान खान के साथ। वेलकम बैक। विशाल खान का केस अब सुप्रीम कोर्ट में पहुंच गया है जहां आज खुद नोटिस लिया गया है और चीफ जस्टिस मियां साकिब निसार की सरराही में 3 रुकनी बेंच अब इस केस की समाअत करेगा और इस केस की समाअत खुली अदालत में होगी।
मर्दान की वली खान यूनिवर्सिटी में तौहीन रिसालत के नाम पर तालिबे इल्म मिशाल खान के अलमनाक कत्ल के वाके में अब नए पहलू सामने आ रहे हैं और अब पता चला है कि यूनिवर्सिटी इंतजामिया को मिशाल खान से सख्त शिकायत थी। इंतजामिया के कुछ लोग उसे सबक सिखाना चाहते थे। वली खान यूनिवर्सिटी में जुमरात के रोज मुश्तइल तलबा के हुजूम ने तौहीन रिसालत का इल्जाम लगाकर इसे शदीद तशद्दुद किया था। ये जर्नलिज्म का तालिबे इल्म मिशाल खान और उसे कत्ल कर दिया गया था, जबकि एक तालिबे इल्म को पुलिस ने जख्मी हालत में रेस्क्यू कर लिया था। डीआईजी मर्दान आलम शिनवारी ने आज सेनेट की कमेटी में इंकशाफ किया है कि यूनिवर्सिटी इंतजामिया को मिशाल खान के साथ पुरानी दुश्मनी थी। इसके खिलाफ 6 माह कबल FIR भी कटवाई गई थी। तहकीकात में तौहीन रिसालत का सबूत नहीं मिला। अब तक 32 में से 22 मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया गया है। तहरीके इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान आज सवाबी में मिशाल खान के घर गए और उसके अहले खाना से ताजियत की। उन्होंने कहा कि मिशाल खान का कत्ल साजिश थी, इस मामले में आखिर हद तक जाएंगे, जो कोई भी मुलविस हुआ उसे सजा दिलाएंगे, आखिर तक जाएंगे। यानी हम कोई जो भी इसमें मुलविस था, और ये अब वाज हो गया है कि ये तौहीन रिसालत नहीं थी, ये एक साजिश थी, मिशाल खान के खिलाफ एक साजिश थी। ये चीज़ें अब सामने आ रही हैं और इन्वेस्टिगेशन अभी हो रही है। अभी तक गिरफ्तारियां भी कर ली हैं उन लोगों की जो उस कत्ल में शामिल थे और जिन्होंने साजिश की थी, और इंशाल्लाह अनकरीब ये अब सबके सामने आ जाएंगे और इनको हम सजाएं दिलवाएंगे, चाहे वो PTI का हो, चाहे वो जिस जमात का हो, जो भी इस जुर्म में मुलव्वस है, हम पूरी जोर लगाएंगे उनको पकड़वाने में। यानी किसी को बख्शेंगे नहीं, ताकि आगे किसी की आगे से कोई ये ना कर सके कि तौहीन रसालत का इल्ज़ाम लगा के किसी को इस तरह कत्ल कर सके। ये इंशाल्लाह पाकिस्तान में एक मिसाल बनेगी, एक मिसाल बनेगी। साबित हो रहा है कि मिशाल खान का कत्ल जिसने पूरे पाकिस्तान को झंझोड़ के रख दिया है। ANP के कायद असफंद यार वली ने खैबर पख्तूनख्वा के इलाके पबी में कल जलसा आम से खिताब किया और उनका कहना था कि मिशाल खान के कातलों को सरेआम फांसी पर लटकाया जाए। मशकूर हूं सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस का कि सोमोटो उसने मशाल खान शहीद का केस उठा लिया, और एक बात मैं बहुत वाजे कर देना चाहता हूं, किसी मदारान जो भी हैं, मैं तो इस हद तक करूंगा कि अगर मेरा अपना बेटा उसमें मुलव्वस है तो उसी भी फांसी दी जाए, लेकिन ये मसले का हल निकालना होगा। पुलिस ने आज मिशाल खान पर तौहीन मजहब का इल्जाम लगाने वाले मुलजिमान वजाहत खान का एतराफी बयान अदालत में जमा करा दिया है, जिसमें कहा गया है कि यूनिवर्सिटी के सिक्योरिटी गार्ड ने मिशाल खान के खिलाफ कार्रवाई पर उकसाया था। सिक्योरिटी इंचार्ज के कहने पर तौहीन मजहब का इल्जाम लगाया और इश्तियाल पैदा किया। सिक्योरिटी इंचार्ज ने मिशाल की हिमायत करने वालों को संगीन नतीजे की धमकियां दी। मिशाल खान के खिलाफ तौहीन मजहब का इल्जाम लगाने के अपने बयान पर निदामत है। मिशाल खान के कत्ल के 5 रोज बाद आज ही मुश्तइल तलबा की एक वीडियो सामने आई है, जिसमें कातिल का नाम ना बताने का हलफ लिया जा रहा है। यह अफसोसनाक सूरत हाल पाकिस्तान के एक आला तालीमी इदारे में पेश आई। मिशाल खान के अलमनाक कत्ल पर पूरे मुल्क में ही रंजो गम की एक कैफियत सी है। इस हवाले से कराची के तलबा क्या सोच रखते हैं, ये जानने की कोशिश की हमारे नुमाइंदे मोहम्मद शहरयार जंजुआ ने।
मिशाल खान की दर्दनाक मौत के बाद से पूरा मुल्क ही गम की कैफियत में है, साथ ही खदशात भी बहुत बढ़ गए हैं, खुसूसन नौजवान तबके में जो सोशल मीडिया का इस्तेमाल बकसरत करते हैं। यही सब कुछ जानने के लिए हम पहुंचे हैं कराची यूनिवर्सिटी और यहाँ पर स्टूडेंट से पूछेंगे कि वो इस वाकये को ओवरऑल किस तरीके से देखते हैं। ये इंतहाई अफसोसनाक वाकया है, एक लड़का जवान स्टूडेंट जर्नलिज्म का तालिब इल्म, उसके साथ ऐसा सलूक किया गया सिर्फ शक की बुनियाद पर, किसी किस्म का कोई उनके पास सबूत मौजूद नहीं था। वो जैसा कहा गया कि उसका अकाउंट भी वो जाली था जो 2 महीने से एक्टिव था, उस पर लोग पोस्ट कर रहे थे, उसके बावजूद उसके साथ ऐसा बहीमाना सलूक किया गया। लोगों की थिंकिंग तो कोई चेंज नहीं कर सकता, लेकिन आप अपनी तरफ से तो आप अपना मोटिव बयान करें कि इस्लाम अच्छाई का मजहब है हमारा, बहुत पीसफुल मजहब है हमारा, लेकिन लोगों की थिंकिंग सब इतने नैरो माइंडेड हो गए और सबने बहुत ज्यादा समझ के रखे एक्सट्रीमिस्ट हैं हम लोग, लेकिन हम लोग ऐसे नहीं है। सबसे बड़ी बात जो मुझे इस वाकये से लगी कि नहीं, अब मामला जहालत का है ही नहीं, पढ़े लिखे लोग अगर ये सब इस तरह करें तो मसला सारा ये है कि एक होती है नॉलेज और एक होती है आपकी पढ़ाई एजुकेशन। हमारे पास एजुकेशन है, हमारे पास डिग्रियां हैं, हम डॉक्टर इंजीनियर बन जाते हैं, लेकिन मेंटालिटी और एक माइंडसेट जो हमारा है वो सेम रहता है। तो व्हाट वी हैव टू वर्क इन एज अ नेशन इज आवर माइंडसेट। हम लोगों को टॉलरेंस, इक्वालिटी और ये जो चीज़ें बेसिकली जो हमारे मजहब के भी हैं वो सब में प्रमोट करना और आगे आने वाली जनरेशन के अंदर ये चीज़ प्रमोट करने, तो हम आगे जाके प्रॉस्पर कर सकते हैं। एक मिसाल आप देखें कि अभी हम लोग इंडिया का मजाक उड़ा रहे थे कुछ दिनों पहले कि वहाँ पे इंतशार होता है, अब इंडिया हमारा मजाक उड़ा रहा है। बहुत शुक्रिया स्टूडेंट्स के, आपने तासुरात सुने। उनका कहना ये था कि मिशाल खान वाकये से जो एक सबसे बड़ी बात सामने आती है वो ये है कि हमारे माशरे में टॉलरेंस बिल्कुल ही ख़त्म हो चुका है। टॉलरेंस तो यकीनी तौर पर बहुत कम है, मुख्तलिफ वाक़ियात इसका सबूत हैं, लेकिन माइंडसेट जो हमारे सामने आ रहा है ये एक बहुत बड़ा मसला है, बहुत बड़ा चैलेंज बनकर सामने आ रहा है। असद कैसर साहब स्पीकर हैं केपीके असेंबली के और हमारे साथ मौजूद हैं, बहुत बहुत शुक्रिया असद साहब। ये इंतहाई अफसोसनाक वाक़या एक आला तालीमी इदारे में पेश आया, क्या सोच क्या है कि अब होना क्या चाहिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं तो खुद बहुत इस हवाले से परेशान हूँ कि वो तालीमी इदारे जो अपने कौम को गाइड करेगी, उसकी रहनुमाई करेगी, उसको उसको राह दिखाएगी, वो खुद गुमराह हो चुके हैं। मैं समझता हूँ कि ये हमारे समाजी तौर पर हमारे लिए बहुत बड़ा चैलेंज है, क्योंकि सबसे अहम मसला यह है कि हमारे रवैये जिस तरफ जा रहे हैं ये एक महज़ब कौम के साथ मुनासिब नहीं है। और सबसे अहम बात यह है कि इस वक्त जो एक सुनी सुनाई बात पे एक जज्बाती माहौल पैदा करके इतना बड़ा जुल्म किया जाता है, इतना एक सफाकियत के एक नया रिकॉर्ड कायम किया जाता है, तारीख में इस किस्म का जुल्म नहीं मिलता, कभी इस तरह नहीं हुआ कि एक तरफ आप जो है ना कत्ल भी करें पर उसकी तस्दीक भी करें और उसकी लाश को भी इस तरह तजलील करें। ये इंसानियत की बदतरीन मिसाल है जी। पाकिस्तान में ये बात की जा रही है जिस हल्के से अब इस, ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है, एक माइंडसेट का मामला है, ये एक ऐसा मामला है कि किसी के साथ भी पेश आ सकता है। जिस तरीके से इसको इंजीनियर किया गया और जिस तरह से ये पूरा वाकया हुआ, ऐसा वाकया दोबारा ना हो, क्या सोचा जा रहा है इस पर? देखिए, एक तो सबसे पहले जितनी भी हमारे दानिश्वर तबका है उसको सोचना होगा, उसको तमाम हकायक सामने रखने होंगे, क्या हमारी क्या बुनियादी वजह है कि एक जज्बातियत हमारी कौम के अंदर बहुत ज्यादा समा चुकी है। और इसके लिए जरूरी है कि हम अपने तालीमी निजाम को और निसाब को हमने रिविजिट करना है, क्योंकि हमने निसाब में सिर्फ ये नहीं है कि हमने निसाब में टॉलरेंस को, बर्दाश्त को, सब्र को कैसे इसको अंदर जो है ना उसको डालें ताकि रवैये चेंज हो, हमारी जो अंदाज फिक्र है उसमें चेंज आए। ये तरीक़ेकार जो रही, क्योंकि अभी तो पहले कहते थे कि तालिबान जो है ना इस किस्म के करते हैं, ये मिसाल तो तालिबान की भी नहीं मिलती। मतलब ये मसला सिर्फ मदारिस का नहीं है, ये हमारे तालीमी इदारों का भी एक माइंड सेट है। माइंड सेट को चेंज करने के लिए निसाब में तब्दीली लानी होगी और हमें फिर से सोचना होगा कि एक बैलेंस कौम के लिए क्या बुनियादी जरूरियात है। मैं समझता हूँ कि इस वक्त हमारे इंटेलिजेंशिया
हमारे इस वक्त लीडर्स सबको एक बेस पे बैठना होगा कि सिर्फ ये नहीं है कि हमने कहा कि सिर्फ ये दीनी मदारिस में हो रहा है, अभी जो अब्दुल वली खान यूनिवर्सिटी में जो कुछ हुआ है ये हमारे चेहरे पे बदमा दाग है। हम भी यही बात कर रहे हैं कि ये पहले बात मदारिस की होती थी, पसमानदा इलाकों की होती थी, गुर्बत की होती थी, अब जो बात हो रही है वो इन तमाम हदूद से आगे की बात हो रही है, आला तालीमी इदारों की बात हो रही है। आप स्पीकर हैं केपी की असेंबली के, क्या सोच है, क्योंकि कानून वहां बनना है, बात वहां होनी है, फैसले वहां होने, वहां क्या सोच है, क्या करने क्या जा रहे हैं, क्योंकि अब बातों से तो बात नहीं बनेगी, अब तो कुछ करना होगा। देखिए हमने तो मैंने खुद ये फैसला किया कि एक इंशाल्लाह पूरा इसके ऊपर डिबेट करेंगे और मैं कोशिश करूंगा कि सिर्फ असेंबली के अंदर भी डिबेट हो और जितनी भी इंटेलिजेंसिया है उसको इकट्ठा किया जाए, तो एकेडमिशन को बुलाया जाए और जितनी भी वो लोग हैं जिसकी एक रिपोटेशन है उसको सबको बिठा के एक ऐसा लाअमल तय करें कि हम अपनी नस्ल की तरबियत कैसे करें। सबसे अहम ये कि हम अपनी नस्ल की तरबियत पर हमें ज़्यादा तवज्जो देनी होगी। दूसरी बात यह है कि इस वक्त जो हमारे यूनिवर्सिटीज़ हैं, यूनिवर्सिटी में हम हुकूमत की कोई असर रसूख नहीं है, यूनिवर्सिटी मुकम्मल तौर पर इंडिपेंडेंट होती है, उसकी सेनेट और उसके सिंडिकेट और उसका वाइस चांसलर सब कुछ होता है, हुकूमत के पास सिर्फ अख्तियार होता है कि वो वीसी को अपॉइंट करता है और वो उसकी अपॉइंटमेंट का तरीका भी ये है कि वो जो सर्च कमेटी सर्च स्क्रूट कमेटी है वो तीन लोग नामजद करते हैं, उसमें चीफ मिनिस्टर एक को पिक करना होता है। अभी हुकूमत की मैं तजवीज़ दूंगा कि ये इस तरह के जो तरीका चल रहा है, हुकूमत को एक अमलदारी होनी चाहिए इस सिस्टम में कि अगर कोई इस किस्म की इररेगुलेटरी हो। आप नहीं समझते कि ये मामला सिर्फ तालीमी इदारों का ही नहीं बल्कि पूरे माशरे का है, पूरी सोसाइटी का है, और पूरी सोसाइटी में चेंज लाने के लिए हमें पॉलिसी शिफ्ट लेना होगा। आप सिर्फ अभी एक यूनिवर्सिटी की बात कर रहे हैं क्योंकि मामला यूनिवर्सिटी में पेश आया है, इसके लिए एक बड़ी सोच की जरूरत होगी, एक बड़े काम की जरूरत। मैं आपको बताता हूँ, नहीं मैं बिल्कुल आपकी बात यकीन, देखिए यूनिवर्सिटीज नर्सरी है आपकी इंटेलिजेंसिया के लिए, यूनिवर्सिटियाँ आपके लिए लीडरशिप प्रोवाइड करती है, यूनिवर्सिटियाँ वो जगह होती है जहाँ से आपने माइंडसेट को चेंज करना होता है। जब आपकी यूनिवर्सिटी में इतना बिगाड़ होगा तो मुझे बताए कौन बताएगा, कौन राय दिखाएगा, कौन समझाएगा। मैं समझता हूँ कि बिल्कुल इस मजहब तोहीन रिसालत का गलत इस्तेमाल रोकने के लिए मुअसर कानून साजी होनी चाहिए, लेकिन इस वक्त हम समझते हैं कि ये सिर्फ ये अहम जरूरत इस बात की है कि कौम की तरबियत की जाए, उसकी गाइडेंस की, ये पॉलिटिकल पार्टीज की रिस्पांसिबिलिटी है, ये इंटेलिजेंसिया की रिस्पांसिबिलिटी है, ये मीडिया की रिस्पांसिबिलिटी है, ये हमारे अदबा का रिस्पांसिबिलिटी है, जो हमारी एलीड है उसकी रिस्पांसिबिलिटी है। हमारी रिस्पांसिबिलिटी ये है कि हमने इस कौम को कैसे इकट्ठा करके ला जाना, एक जज्बाती कौम से एक जिम्मेदार कौम बनाना है, और उसमें हमने बहुत बिला खौफ तरदीद इस तमाम मामलात का जायजा लेना है, डिस्कशन करना है और ऐसी पॉलिसी बनानी है कि हम एक आजाद मुल्क आजाद कौम। ठीक, बहुत शुक्रिया आपका असद कैसर साहब, स्पीकर केपी के असेंबली हमारे साथ मौजूद। एक बड़ा पॉलिटी, एक बड़ा हमें शिफ्ट चाहिए होगा अपनी पॉलिसीज में, जिसमें हमने कल बात की थी कि हमें साइबर क्राइम के हवाले से काम करना होगा, हमें सोच बदलने के हवाले से काम करना होगा, क्योंकि मामला अब पसमानदगी का नहीं है, गुर्बत का नहीं है, मजबूरियों का नहीं है, अब मामला इससे कहीं आगे निकल चुका है। पुख्ता जहन, मजबूत जहन, पढ़े लिखे लोग उस तरफ जा रहे हैं जिस तरफ जाना पाकिस्तान या पाकिस्तानी कौम अफोर्ड नहीं कर सकती। ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद प्रोग्राम जारी रहेगा। वेलकम बैक। पाकिस्तान में गर्मियों के सीजन में लोड शेडिंग का बढ़ना और आवाम की परेशानियां, उनकी मुश्किलात एक मामूल की बात अब मालूम होती है, लेकिन नवाज शरीफ साहब ने 2013 में इख्तदार संभालते ही लोड शेडिंग कम करने के जोरदार दावे किए थे, मगर गर्मियों का मौजूदा सीजन शुरू होते ही शहरों में 6 से 8 घंटे और देहात में 14 से 18 घंटे तक बिजली गायब रहने लगी है।
वजीर आजम नवाज शरीफ कई बार ये दावा कर चुके हैं कि 2018 में लोड शेडिंग खत्म कर दी जाएगी, लेकिन 2017 के पहले चार माह की सूरत हाल देखकर ये दावा दीवाने का ख्वाब दिखाई देता है। 2018 तक जो है वो इस मुल्क के अंदर बिजली की किल्लत खत्म कर देंगे। 2018 में पाकिस्तान में बिजली की किल्लत का हमेशा के लिए खात्मा हो जाएगा। अगले दो सालों में बिजली की कमी जो है या बिजली की जो किल्लत है हम उस पर काबू पा लेंगे। 2018 दूर की बात नहीं है, ये तमाम जो इस वक्त लोड शेडिंग छोटी मोटी रह भी गई है इसको भी इंशाल्लाह हमेशा के लिए खत्म कर दिया जाएगा। आज लोड शेडिंग बहुत कम हो चुकी है, इंशाल्लाह अगले साल और कम हो जाएगी और 2018 में खत्म हो जाएगी। कौन से वादा है कि 2018 में बिजली की कमी को खत्म कर दिया जाएगा। 2018 अब वाकई ज्यादा दूर नहीं है और अब तक खासी बेहतरी हो जानी चाहिए थी, लेकिन गर्मियां शुरू हुई और सूरत हाल पूरे पाकिस्तान के सामने है। नेशनल पावर कंट्रोल सेंटर के मुताबिक मुल्क में बिजली की कुल तलब 17,000 मेगावाट जबकि पैदावार 10,000 मेगावाट है। इस तरह इस वक्त बिजली का शॉर्टफॉल 7,000 मेगावाट तक पहुंच गया है, जिसकी वजह से पंजाब के कई शहरों में मुजाहरे और एहतजाज का सिलसिला शुरू हो गया है। इस वक्त कराची में 4 से 6 घंटे जबकि अंदरूनी सिंध मुख्तलिफ शहरों में 10 घंटे तक की गैर ऐलानिया लोड शेडिंग हो रही है। पंजाब में लाहौर, रावलपिंडी, फैसलाबाद और गुजरात समेत 10 से 14 घंटे तक बिजली बंद है, जबकि जनूबी पंजाब में लोड शेडिंग का दौरानिया 14 घंटे से बढ़ चुका है। इसी तरह पिशावर और नौशेरा समेत खैबर पख्तूनख्वा के शहरों में 12 से 16 घंटों तक बिजली गायब रहना एक मामूल बन गया है, जबकि आजाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में भी लोड शेडिंग का दौरानिया 10 घंटे से जायद है। विफाक वजीर पानी और बिजली ख्वाजा आसिफ साहब ने 2 साल कबल मई 2015 में इस बात का एतराफ किया था कि मुल्क में बिजली की कमी दूर नहीं हो सकी, जिसकी वजह से हुकूमत को गालियां सुनना पड़ेंगी, और आज अप्रैल 2017 में आवाम का गम गुस्सा इस बात की तस्दीक कर रहा है। बिजली का मसला है, 2-3 साल रहेगा, आहिस्ता आहिस्ता इंप्रूवमेंट हुई है। पहले साल आए थे ज्यादा गालियां पड़ी थी, उससे अगले साल थोड़ी कम हो गई, उम्मीद है इस साल और कम गालियां पड़े। गालियां पड़ेंगे जरूर, ये इंशाल्लाह तो ना कहे यार खुदा मुस्लिम लीग नून के मरकज लाहौर और जनूबी पंजाब के शहर मुल्तान के आवाम लोड शेडिंग के हवाले से अब क्या कह रहे हैं, जरा ये भी सुनिए। मुल्तान में कल 43 सेंटीग्रेड था, उधर से लोड शेडिंग 17 घंटे लोड शेडिंग हो रही है। इतना लोड शेडिंग हो रही है, 4-4 घंटे लाइट जाती है, 1 घंटा लाइट आती है। शदीद गर्मी की वजह से बहुत बुरा हाल है और 10 से 12 घंटे की लोड शेडिंग है, जिसकी वजह से आवाम बहुत मुतासिर है। गाड़ी का काम करवाने आए हैं और यहाँ लाइट ही नहीं है, 2 घंटे से बैठे हुए हैं। रात को जो है ना नींद नहीं आती, 4-4, 5-5, 6-6 घंटे लोड शेडिंग होती है। अभी काम शुरू नहीं करते तो बत्ती पहले बंद हो जाती है, फिर आएगी आधा घंटा घंटा आएगी फिर चली जाएगी। बगैर ऐलानिया लोड शेडिंग होती है और 1 घंटे में 3 दफा जाती है। उनके वजीर आते हैं टीवी के ऊपर, कहते हैं लोड शेडिंग खत्म हो गई है, हमने इतना ये कर दिया ये कर, उनको भी नहीं शर्म लाती के बात कर, पहले देखे तो सही बाजारों में आके क्या हालात है। सारी मशीनें बंद पड़ी है, हम बिल्कुल बैठे फारिग बैठे हैं, सुबह से लेके अभी तक लाइट नहीं है। पहले वजीर आला साहब जो है वो मनारे पाकिस्तान बैठ जाते थे, अब किधर है हमें नहीं पता। सुबह से लेके अब तक सिर्फ 2 घंटे लाइट मिली है, 5-5, 6-6 घंटे लोड शेडिंग है, आधा घंटा आई ना आई वो चली गई वापस। दावे तो इन्होंने बहुत किए हैं, किया कुछ नहीं। रात को सुकून नहीं है सोने के लिए और दिन को सुकून नहीं है कि हमारे काम पड़े हुए हैं। और अब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो ने भी आज पार्टी इजलास के बाद ऐलान किया है कि गैर ऐलानिया लोड शेडिंग के खिलाफ भरपूर तहरीक और मुल्कगीर मुजाहरे किए जाएंगे।
इस तमाम सूरतहाल पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं वफाकी वजीर पानी और बिजली जनाब ख्वाजा मोहम्मद आसिफ साहब। ख्वाजा साहब, बहुत शुक्रिया आपने हमें वक्त दिया। इससे पहले कि बिजली के हवाले से आपसे बातचीत करूं, अब वाजे हो चुका है कि जुमरात को पनामा का फैसला सुना दिया जाएगा। इस हवाले से अगर जानना चाहूं तो क्या आप बता पाएंगे कि दोनों सूरतों में आपकी तैयारी क्या है? फैसले पे तो मैं नहीं कमेंट कर सकता, क्योंकि मुझे तो नहीं पता क्या फैसला आना है। अल्लाह खैर करे, हमें कभी उम्मीद है कि फैसला जो है वो फेवरेबल आएगा। इससे ज्यादा कमेंट करना मेरे लिए मुनासिब भी नहीं होगा। अगर फेवर में आता है या अगेंस्ट आता है तो तैयारी मुकम्मल है ना ख्वाजा साहब? जी बिल्कुल, सियासतदान जो है वो हर किस्म की जो कंटीजेंसी है उसके लिए तैयार रहते हैं। ये एक हमारी ट्रेनिंग होती है, या मैं समझता हूँ कि सियासत के कल्चर में इस किस्म के जो नशेबो फराज आते हैं। लेकिन इंशाल्लाह ताला हमें बिल्कुल कभी उम्मीद है कि अल्लाह ताला खैर करेगा और फतह जो है वो मियां नवाज शरीफ की होगी, हमारी हुकूमत की होगी और फैसला फेवरेबल आएगा। अच्छा, ये भी फरमाएं कि फैसला जो होगा, क्या समझते हैं कि एक तारीखी फैसला होगा जो भी फैसला हो? जी फैसला आखिर 5 ऑनरेबल जजेस ने बड़े इनामात के साथ, बड़ी तवज्जो के साथ जो है तमाम फीकैन को सुना है। उसके बाद जो है 1.5-2 माह से फैसला जो है वो महफूज था। डेफिनेटली वो फैसले पर डिलिब्रेट कर रहे थे, तो डेफिनेटली आई थिंक ये एक वाटरशेड होगा ये फैसला जो है, और इसकी जो गूंज है या इसकी जो इम्पोर्टेंस है वो बड़ी देर तक पाकिस्तान जो आइनी तारीख है, सियासी जो हमारा पस मंजर है, उसमें हमेशा सुनी जाएगी। ठीक। अच्छा ख्वाजा साहब, अब बिजली के हवाले से बात करते हैं। जी फरमाएं। 2018 का इंतजार कौम कर ही रही है, मगर 2017 के तकरीबन हम दरमियान में पहुंचने वाले, तो समझा तो ये जा रहा था कि इस मौके तक, इस वक्त तक, इस जगह तक पहुंचते पहुंचते हम बिजली के मसले पर बहुत हद तक काबू पा चुके होंगे, लेकिन इस गर्मी के शुरू होते ही वही हाल है जो माजी में हम देखते चले आ रहे हैं। क्या वजह है? देखें, ये मैंने आज से तकरीबन को 2 हफ्ते कबल जो है अप्रैल के बिल्कुल शुरू में मैंने एक मीडिया से गुफ्तगू की थी और मैंने अर्ज की थी कि जो टेम्परेचर्स हैं वो बड़े एबनॉर्मल इस दफा अप्रैल में आ रहे हैं और डिमांड जो है उसमें तकरीबन 2700 मेगावाट का जो है ना वो सर्ज आ रहा है इस महीने। उसके मुकाबले में दूसरी तरफ जो मनफी बात थी कि हमारे जो प्लांट्स थे, जनरेशन प्लांट्स थे, वो मेंटेनेंस के लिए तकरीबन 2000 मेगावाट के जो है वो आउटेज में थे, यानी वो काम नहीं कर रहे थे। पीरियोडिक जो मेंटेनेंस होती है उसके लिए वो बंद थे। तो ये तकरीबन जो मैंने सुनाई दिया, लाइन सही नहीं थी आपकी, कि आप कह रहे हैं कि 7000 मेगावाट का डिफरेंस है। 7000 मेगावाट का डिफरेंस नहीं है, और ये जो फिगर आपने बताई है CPPA की जी के हम 10000 हमारे पास जनरेशन है, ये फिगर आपने कहीं से गलत कोट की है। मेरा ख्याल है उसकी तसीफ फरमा, नेशनल पावर कंट्रोल सेंटर नहीं, वो किसी एक टाइम की होगी ना। मैं तो आपको सही जो सिचुएशन जो एवरेज है जी, आप किसी एक वक्त के ऊपर उसकी रीडिंग ले रहे होंगे, मैं तो आपको ओवरऑल सिचुएशन बता रहा हूँ। इस वक्त हम तकरीबन 13-14 हजार मेगावाट जो है वो बिजली जनरेट कर रहे हैं, उसके अगेंस्ट जो है वो डिमांड जो है वो 18000 प्लस है। सो डिफरेंस इज अबाउट 5000 नहीं है। तो ये मैं आपकी तस्दीक कर लूं, आप फिर अपने रिसर्चर्स को कहें कि जरा। अच्छा ख्वाजा साहब, चलें आदाद शुमार पे अगर ना भी जाएं तो कहते हैं ना, ज़बाने खल्क को नकारा खुदा समझो। मुझे मौका फराहम करें ना, मैं अपनी बात जरा मुकम्मल कर लूं, आपकी अनायत होगी। वो ये 5200 का जो फर्क है ना, ये इंशाल्लाह ताला अगले 1.5-2 हफ्ते में बतदरीज जो है वो नीचे आना शुरू हो जाएगा, और ये बाय मिड मे इंशाल्लाह ताला जो है ना ये फर्क जो है बहुत हद तक जो है ना वापस आ जाएगा। और ये जो क्राइसिस की सूरत हाल है, मैं तस्लीम करता हूँ ये क्राइसिस की सूरत हाल है,
ये इंशाल्लाह ताला खत्म हो जाएगी। ठीक। मैंने फिर आपको बता रहा हूँ कि 5,200-5,300 का इस वक्त फर्क जा रहा है, जिससे जो फोर्स लोड शेडिंग है या अनशेड्यूल्ड लोड शेडिंग है या विदाउट वार्निंग जो लोड शेडिंग जिसकी लोग बिल्कुल सही शिकायत कर रहे हैं, वो तकरीबन 2200-2300 मेगावाट है। 2200-2300 मेगावाट का मतलब है कि तकरीबन 4 घंटे जो है, जो ऑलरेडी लोड शेडिंग मौजूद थी उसमें 4 घंटे जो है और ऐड हुए हैं। ठीक। आपने सही फरमाया कि 6 से 8 घंटे जो है शहरों में जो है और देहातों में 12 घंटे से भी ज्यादा लोड शेडिंग मौजूद है, ये भी आपने दुरुस्त फरमाया। लेकिन ये सूरत हाल जो है इसकी रिवर्सल स्टार्ट हो जाएगी, क्योंकि हमारे प्लांट्स जो है आज से वापस आने शुरू हो गए हैं लाइन में। सो वी विल हैव इन नेक्स्ट फ्यू डेज वी विल हैव इन द ग्रिड ऑलमोस्ट 2,000 मेगावाट फ्रॉम आवर ओन रिसोर्सेज और उसके साथ जो एग्जिस्टिंग रिसोर्सेज हैं, और नई भी जो है वो आहिस्ता आहिस्ता मई में और देन फिर जून में फिर जुलाई में, ये सारा साल जो है ना, जो आप बात कर रहे थे ना कि मियां साहब ने 2018 का कहा हुआ है, इस साल के अंदर जो नई जो हमारे पास बिजली आएगी वो तकरीबन 6,000+ है, 6,400 के करीब है। तो अगर मैं आपका आर्गूमेंट जो है 7,000 वाला एक्सेप्ट भी कर लूँ तो वो ऑफसेट हो जाएगा। लेकिन मैं आपको यकीन दिलाता हूँ इंशाल्लाह ताला ये वादा जो है, जो एक तकमील जरूर होगी इस वादे की। ये एक टेम्प्ररी फेज है, एक क्राइसिस है, हम इस पे ओवरकम करने की कोशिश कर रहे हैं। 8 डिग्री का टेम्परेचर का फर्क है, 45 डिग्री कभी टेम्परेचर जो है अप्रैल में नहीं गया। इट्स एन अनयूजुअल सिचुएशन, गैर मामूली सूरत हाल है जिसकी वजह से हमें ये क्राइसिस फेस करना पड़ रहा है। मुझे बिल्कुल एहसास है आवाम को डिफिकल्टीज हैं, लोग जिस तरह आपने मेरा क्लिप चलाया गालियां जरूर पड़ रही हैं हमें, बिल्कुल आवाम जो है वो इस वक्त तकलीफ में है। लेकिन इंशाल्लाह ताला ये दो हफ्ते जो है ना, इसके अंदर ये सूरत हाल पे काबू पा लिया जाएगा। जी गैर साहब, जैसे कि आप खुद फरमा रहे हैं कि शॉर्ट फॉल के हवाले से सूरत हाल घंटों में मिनटों में भी तब्दील होती है, तो स्विच ऑन ऑफ का मसला है, कब कौन सा पावर यूनिट आता है ग्रिड पे आता है कब नहीं आता, आगे बढ़ते हैं आप भिजवा दूंगा मैं 24 घंटे की आपको मैं मैसेज। ठीक है, बहरहाल आगे बढ़ते हैं, इससे आगे बढ़ते हैं ख्वाजा साहब। बेहतरीन मैनेजमेंट तो यह होती है कि जो मुश्किल वक्त हो उसके लिए तैयारी करके रखी जाए। सर्दियों का मौसम भी आता है जिसमें बिजली की खपत कम होती है, गर्मियों में ज्यादा होती है। हमारे पास थर्मल प्लांट्स मौजूद है जिनको अगर तैयार रखा जाए, चलाया जाए, तो शायद इस कमी पर, इस क्राइसिस पर काबू पाया जा सकता है। ऐसी तैयारी क्यों देखने में नहीं आती हर साल? मैं आपकी बात जो है मैं उससे इत्तेफाक करता हूं, लेकिन हमने ये जो आउटेज का जो प्रोग्राम है 365 दिन का बनाया होता है, और ये अप्रैल के एंड में ये सारी आउटेजेस की जो स्केड्यूल जो होता है ना वो खत्म हो जाता है, यानी हमारी तैयारी मुकम्मल हो जाती है। सो मैं समझता हूँ कि हमें ये फरवरी में या मार्च में इसको ले जाना चाहिए था, अप्रैल में नहीं आना चाहिए था। हम ये टेम्परेचर्स फोर्सी नहीं कर रहे थे, ये हमसे बिल्कुल मैं समझता हूँ कोताही हुई है, ये टेम्परेचर्स हम फोर्सी नहीं कर रहे थे, दिस वॉज टोटली अनयूजुअल। लेकिन एक और मैं आपको यहाँ पे अर्ज करूँ, हमारी जो इस वक्त हाइडल कैपेसिटी है वो तकरीबन 2700-2800 मेगावाट पे जा रही है। ये कैपेसिटी जो है हमारी जब फुल हम हाइडल बिजली पैदा कर रहे होते हैं ये तकरीबन 6,400-6,500-6,600 पे, बल्कि 6,700 तक भी चली जाती है। सो बिजली जो है सिस्टम में बिल्कुल मौजूद है, लेकिन इट्स ये वक्त जो है ना, ये मैं समझता हूँ बैड टाइमिंग्स हैं, इसमें ये क्राइसिस ट्रिगर हो गई है, और इसमें मैं बिल्कुल आप दुरुस्त फरमा रहे हैं कि इसकी मेंटेनेंस के लिए आउटेज जो है वो महीना पहले हो जानी चाहिए थी, लेकिन हम जो ट्रेडिशनल हमारा रवायती स्केड्यूल था हमने उसके मुताबिक की है, और ये इसको करेक्ट करना पड़ेगा। ये जो मौसम के बदलते हालात हैं इसको हमें मार्च में या फरवरी में करना पड़ेगा, ताकि मार्च के आखिर में जब गर्मियां स्टार्ट हो जाएं तो हम पूरी तरह तैयार हों। ये बात जो है आपकी दुरुस्त है, मैं आपके आर्गुमेंट से इत्तेफाक करता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया आपका जनाब ख्वाजा मोहम्मद आसिफ साहब, वफाकी वजीर बराए पानी और बिजली, फरमा रहे थे कि बेहतर प्लानिंग हो सकती थी, ये जरा सी गलती हो गई है। पर हर दफ़ा यही होता है हमारे सामने कि मौसम, कभी कोई और मामला, कभी कोई और मामला, और फिर आवाम इस तमाम सूरत हाल से गुजरते हैं। मगर अच्छी बात यह है कि 2018 के वादे पर कायम है और 6000 मेगावाट सिस्टम में मजीद दाखिल हो जाएगी, इसका एक बार फिर इंदिया दिया है। ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद प्रोग्राम जारी रहेगा, कुछ और अहम खबरें जो प्रोग्राम का हिस्सा होंगी।
वेलकम बैक। पंजाब हुकूमत ऑरेंज लाइन जैसे मेगा प्रोजेक्ट पर तो भरपूर तवज्जो देती है, लेकिन तालीम, समाजी तरक्की के दीगर मंसूबे गफलत का शिकार नजर आ रहे हैं। खुसूसन तालीम और सफाई से मुतालिक स्कीमों के लिए मुख्तस किए गए फंड्स भी पूरी तरह इस्तेमाल नहीं किए जा रहे। बात तालीम की हो, पानी की फराहमी की हो, एनर्जी सेक्टर की हो या ज़राअत की हो, हुकूमत पंजाब ने सूबे में अरबों रुपए मुख्तस किए, बेशतर फंड्स खर्च ना हो पाए और अब रवां साल ख़त्म होने में सिर्फ 2.5 माह रह गए हैं। पंजाब में तरक्याती फंड्स के आदाद शुमार जिनका हम जिक्र कर रहे हैं, आप अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर देखते रहेंगे जिनका के कहां कहां पर कितने पैसे मुख्तस किए गए और कहां पर वो खर्च नहीं हो पाए। हसन रजा दुनिया न्यूज़ के नुमाइंदे इनकी मुख्तलिफ रिपोर्ट्स इस हवाले से मौजूद हैं। इनसे पूछते हैं कि गुड गवर्नेंस की मिसाल दी जाती है पंजाब की और मुल्क के सबसे बड़े सूबे में, आखिर ये हो क्या रहा है? जी हसन, बताइएगा कि क्या हो रहा है? आपने तहकीक की, कई आपकी रिपोर्ट्स इस पर हम देखते रहे, ये क्या हो रहा है कि मेगा प्रोजेक्ट पे तो तवज्जो सारी है मगर बुनियादी इश्यूज को नज़रअंदाज किया जा रहा है? जी बिल्कुल ऐसे ही है, यहाँ पर जो है सिर्फ मेगा प्रोजेक्ट्स पर ज़्यादा तरजीहात में शामिल हैं और उन्हीं पर ज़्यादा फोकस किया जाता है। ये मेरे पास एक रिपोर्ट है जो वज़ीर आला पंजाब शहबाज शरीफ को पेश की गई, इजलास में पेश की गई, जिसमें बताया गया के स्कूल और एजुकेशन, हेल्थ समेत वाटर सप्लाई के जो प्रोजेक्ट्स हैं, उनकी तरक्याती स्कीमें हैं, उनके लिए पैसे तो रखे गए हैं लेकिन इस्तेमाल नहीं किए गए। आप देखिए कि स्कूल एजुकेशन के लिए 41 अरब 75 करोड़ पैसे, ज़ायद पैसे रखे गए, जिसमें से सिर्फ अब जो है 9.5 माह के दौरान सिर्फ 16 अरब रुपये इस्तेमाल हो सके। इसी तरह हायर एजुकेशन के लिए 20 अरब रुपये का बजट रखा गया, जिसमें से सिर्फ 12 अरब रुपये इस्तेमाल हो सके। इसी तरह दीगर तरक्याती स्कीमें ऐसी हैं जिसमें तालीम है, सेहत है, सेहत के कई बुनियादी मराकज में अगर आप चले जाएं वहां पर भी यही सूरत हाल है कि पैसे जारी किए जाते हैं लेकिन रखे जाते हैं, इस्तेमाल नहीं किए जाते। पंजाब में हमेशा से ये देखने में आया है कि मेगा तरक्याती स्कीमों पर फोकस किया जाता है जबकि बुनियादी जो तरक्याती स्कीमें हैं जिसमें हायर एजुकेशन आता है, तालीम है, सेहत के अलावा वाटर सप्लाई एंड सैनिटेशन डिपार्टमेंट के अलावा है, खासतौर पर एनर्जी डिपार्टमेंट है जिसके लिए 9 अरब रुपए रखे गए थे जबकि अब तक जो है सिर्फ 1 अरब 16 करोड़ रुपए इस्तेमाल किए गए हैं और बाकी जो है अभी तक पैसे जारी ही नहीं किए गए। ये महकमों की सुस्त रवि है कि महकमे जो है मामलात को संजीदगी से ही नहीं लेते और जो दीगर तरक्याती मनसूबा जाते हैं उन पर वज़ीर आला पंजाब जो है खुद ही एहकाम कर रहा है। हसन साहब, क्या ये हमेशा होता चला आ रहा है या इसी दफा ये मामला देखने में आ रहा है? जी हमेशा से ही ऐसे है कि ये तरक्याती स्कीमों पर ज़्यादा तरजीहात में शामिल नहीं की जाती लेकिन सिर्फ ऐलानात, बयानात, दावे और जो है ये दावे किए जाते हैं जलसों जुलूसों में, वज़ीर आला शहबाज शरीफ इजलासों में खास तौर पे एहकाम जारी करते हैं। ये बजट मंजूर किया जाता है कि हमने इतने अरब रुपए फलां मनसूबे के लिए रख दिए लेकिन इस्तेमाल नहीं किए जाते और यही वजह है खासतौर पर हमें गुज़श्ता सालों की निस्बत अगर देखें तो रवां माली साल के दौरान 2016-17 के दौरान बहुत ही कम जो है सुस्त रवि है, तरक्याती स्कीमें जो है वो मुख्तलिफ जो है सुस्त रवि का शिकार हो रही है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हसन रजा, दुनिया न्यूज़ के नुमाइंदे, मुख्तलिफ रिपोर्ट्स उनकी सामने आती रही। इसी पर बात करेंगे मलिक अहमद खान साहब से, तर्जमान हुकूमत पंजाब। मलिक साहब बहुत शुक्रिया आपका, आप हमेशा प्रोग्राम में तशरीफ़ लाते हैं और पंजाब हुकूमत का मौक़िफ देते रहते हैं। क्या मामला है ये कि पैसे मौजूद हैं, रिलीज़ भी कर दिए जाते हैं, खर्च नहीं होते, तालीम, सेहत, बुनियादी इश्यूज़ जो लोगों के हैं उन पर खर्चा नहीं कर रहे, मेगा प्रोजेक्ट्स पर आपकी तवज्जो क्यों है सिर्फ? मंसूर साहब बहुत शुक्रिया आपने मौका दिया अपनी बात करने का। देखें इसमें मैं एक पहले एक तौजीह पेश करूंगा और मुमकिन है कि वो काफ़ी हद तक इस मसले को सुलझाने में मदद भी देगी। ये नॉर्मली ये ऐसा सेट प्रोसीजर नहीं होता और ये नॉर्मली ऐसे नहीं होता कि इतनी बड़ी रकम मुख्तस की जाए और उसका इस तरह से उसकी यूटिलाइजेशन ना हो, उसका खर्च ना हो सही और वो इतनी बड़ी अमाउंट पीछे रिफ्लेक्ट करे कि अनयूटिलाइज्ड है। इस साल की कंडीशंस कुछ थोड़ी सी एक्स्ट्राऑर्डिनरी थी और उन एक्स्ट्राऑर्डिनरी कंडीशंस के अंदर एक तो सुप्रीम कोर्ट का वो केस था जिसमें ये फैसला किया गया कि जो भी फंड्स की ऑथराइजेशन पहले चीफ मिनिस्टर के पास थी वो अब एक कैबिनेट का प्रोरोगेटिव है और उस पर सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग आने में कुछ 2 माह से ज़्यादा का अरसा बहुत सारी स्कीमें जामिद रहीं जिसकी बुनियाद पर कुछ डिले काउंट की जा सकती है।
सेकेंडली फिर एक हमारा मसला जो इस दफ़ा था वो एक ट्रांजिशन थी लोकल गवर्नमेंट की तरफ। अब लोकल गवर्नमेंट की तरफ जब ट्रांजिशन थी तो इसमें एक प्रोविंशियल फाइनेंस कमीशन इंटरिम अवार्ड करना ज़रूरी था, और 2 से 3 माह का वो बड़ा लेबेरियस प्रोसेस था जिसके ऊपर दिन रात इसके ऊपर मीटिंग्स की गई और उसको जल्दी से जल्दी कंक्लूड करने की कोशिश की गई कि ताकि यूटिलाइजेशन ऑफ फंड्स के ऊपर को बड़ा नंबर पीछे ना रह जाए और अप्रोप्रिएट अकाउंट्स के अंदर इनको ट्रांसफ़र कर दिया जाए। पहले होता यह था कि जो अकाउंट 4 था हमारा उसके अंदर ये फंड्स अवेलेबल होते थे, और उसके जब उसको दिसंबर के महीने में रोक दिया गया तो 2 माह के गैप वो भी आए। सो ये बात आपकी रिपोर्टर की इस हद तक जो उन्होंने हसन ने रिपोर्ट किया है, मैं उनकी पूरी बात सुन तो नहीं पाया, लेकिन मुझे जो अंदाज़ा हुआ कि उन्होंने जो एस्टिमेट्स थे रिवाइज्ड एस्टिमेशन उनके अमाउंट्स का जिक्र किया, रिलीज्ड अमाउंट्स का जिक्र किया और यूटिलाइज्ड अमाउंट्स का जिक्र किया। सो बेसिकली इन 3 चीज़ों के अंदर इस गार्प में आके हमारा काफ़ी सारा वक्त इस साल ज़ाया हुआ। लेकिन इसके साथ एक बात बड़ी पर्टिनेंट है जिस पर गौर करना बहुत ज़रूरी है, ना सिर्फ के पाकिस्तान में बल्कि साउथ एशियन रीजन में जिसके अंदर हिंदुस्तान भी शामिल है, बांग्लादेश भी शामिल है, ये जो स्पेंडिंग ट्रेंड है यूटिलाइजेशन ऑफ अकाउंट्स का जो है हमारा, वो मोस्टली मार्च अप्रैल मई के जो ये महीने होते हैं बजट से पहले के महीने होते हैं। ठीक मलिक साहब, ये मामला रहता है पाकिस्तान के दीगर सूबों में भी होता है, मगर पंजाब से तवक्कु की जाती है, गुड गवर्नेंस की बात होती है वहां पर, और वहां पर जब मेगा प्रोजेक्ट ऑरेंज लाइन जैसे मेगा प्रोजेक्ट चल रहे हैं उन पर तनकीद हो रही हो कि आप बुनियादी इशूज को नजरअंदाज कर रहे हैं, सेहत, तालीम, पानी की फराहमी, इस तरह के इशूज को नजरअंदाज कर रहे हैं, या ये आपको पर इल्जाम लगता रहा है कि दूसरी स्कीमों के पैसे लेकर आप इस पर लगा देते हैं, वहां पर तो ज्यादा तवज्जो के साथ करना चाहिए था। और हसन ये भी बता रहे हैं कि ये सिर्फ इस दफा का मसला नहीं है, ये माजी में भी होता रहा है और ऐसा होता चला आ रहा है। नहीं मसूद साहब, देखिए मैं आपका बिल्कुल आपने एक सही चीज़ की तरफ निशानदेही की है, लेकिन इसके साथ इसकी वजाहत ज़रूरी है जो कि बड़ी प्लॉजिबल है। पिछले साल मार्च के अंदर जो हमारा इसे यूटिलाइज्ड अमाउंट का डिफरेंस है वो 44% ज़्यादा था पिछले साल, और मैंने आपको जो ये 4 रीजंस दी हैं, प्रोविंशियल फाइनेंस कमीशन की रीज़न दी है, सुप्रीम कोर्ट के केस की रीज़न दी है, लोकल गवर्नमेंट को फंड्स की ट्रांसफ़र की, पंजाब के बजट का 54% जो है उसको प्रोविंशियल फाइनेंस कमीशन के ज़रिए ज़िलों को दे दिया गया है। ये 3 तजीहात जो मैंने आपको पेश किए हैं ये बड़ी प्लॉजिबल हैं और अपने आप को खुद एक्सप्लेन करती हैं कि किस बुनियाद पर यूटिलाइजेशन के अंदर थोड़ी कमी रही। और साथ में आपको यह बता रहा हूं कि जो मार्च, अप्रैल और मई के 3 महीने होते हैं इसमें जो एग्जीक्यूटिंग एजेंसीज होती हैं उनकी मैक्सिमम यूटिलाइजेशन करती हैं, लेकिन जब आप मई में इसकी रिपोर्ट को लेंगे कि आपकी टोटल यूटिलिटी कितनी हुई बाय द डेट ऑफ 30 मई, 30 मई तक जब आप इसकी यूटिलाइजेशन देखेंगे तो आपको ये नंबर बहुत ज्यादा यूटिलाइज्ड की तरफ नजर आएगा। और मलिक अहमद खान साहब, बहुत शुक्रिया, आपका मौकिफ बिल्कुल पहुंच गया। पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा, सबसे अमीर सूबा, जहां पर ये इल्जाम लगता रहा है कि मेगा प्रोजेक्ट्स पर खर्चा किया जा रहा है, छोटे इशूज जिनको समझा जाता है, हालांकि बहुत बड़े इशूज हैं, सेहत, तालीम, फराहमी और निकासी, आप इवन ये कि कब्रिस्तानों का मामला हो या दीगर मामला, वहाँ पर खर्चा नहीं किया जा रहा। और इसकी एक मिसाल हमारे सामने मौजूद है, तौजीहात ज़रूर पेश की गई, मगर यहाँ पर क्या ये सवाल नहीं बनता कि तौजीहात अपनी जगह, टारगेट्स जो सेट किए थे उनको अचीव नहीं किया जा सका है। ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद बात करेंगे, पंजाब का ही मामला है, बच्चों का जिंसी स्कैंडल है सामने आया है, पूरे मुल्क को हिला के रख दिया है इस मामले में, बात होगी एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। सरगोधा में बच्चों के जिंसी वीडियो बनाने के केस से पूरे मुल्क में गम और गुस्से की लहर दौड़ गई है, लेकिन इस घनौने जुर्म का शिकार बनने वाले बच्चों और उनके वालदैन ने मुबैना तौर पर मुल्जिम के खिलाफ गवाही देने और बयान रिकॉर्ड कराने से इनकार कर दिया है, जिससे इस केस को बड़ा धचका लगा है। लाहौर में FIA के मुताबिक बरहना वीडियोस बनाने वाले मरकजी मुलजिम सादत अमीन के कब्जे से बरामद होने वाले वीडियोस के बाद मुतासरीन से राब्ता किया गया, लेकिन मुतासरीन ने किसी भी तरह का तावुन करने से इनकार कर दिया है, जिससे केस की प्रोसिक्यूशन बुरी तरह से मुतासर होगी। मुलजिम सादत अमीन को नॉर्वे के सफारतखाने की तहरीरी शिकायत पर गिरफ्तार किया गया था।
शिकायत में कहा गया था कि नॉर्वे की पुलिस ने बच्चों की गैर इखलाकी वीडियो बनाने वाले एक मुलजिम को गिरफ्तार किया है, जिसकी तहकीकात के दौरान सादत अमीन का नाम सामने आया है। मुलजिम सादत अमीन ने गिरफ्तारी के बाद एतराफ किया कि वो इस तरह से करता था। उसने अपने एतराफी बयान में कहा कि पाकिस्तानी 20,000 रुपए के एवज बच्चों की काबिल एतराज वीडियोस यूरोपी ग्राहकों को बेचता था। मैं एक फोटोग्राफर ही हूँ, फोटो डिजाइन भी करूँगा, फोटो का बैकग्राउंड चेंज करता सर। फ्री वीडियो के हिसाब से मैं 100 to 200 यूरो देता सर, फिर पाकिस्तानी बनने का 10,000 या 20,000। ये देखने के लिए कि इस जुर्म का शिकार बनने वाले मुतासरीन और उनके वालदैन बरहना वीडियोस के हवाले से कोई भी बयान देने के लिए क्यों तैयार नहीं है, बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो पंजाब की चेयरपर्सन सबा सादिक। बहुत बहुत शुक्रिया सबा सादिक साहिबा। ये फरमाएं कि FIA इसकी तफ्तीश कर रहा है, बयान देने के लिए मुतासरीन तैयार नहीं है। कितना मुश्किल होगा इसकी प्रोसिक्यूशन को आगे बढ़ाना, केस मुतासर होगा इससे? देखिए बात यह है कि इसमें स्टेट जो है वो मुदई होती है और स्टेट इन चीज़ों को लेके आगे चलती है। सज़ा का अमल जो है इंशाल्लाह ताला स्टेट की जिम्मेवारी है, और हमारे जो पाकिस्तान में साइबर क्राइम एक्ट के तहत कवानीन बने हैं, नंबर वन वो इस पे लागू हो रहे हैं, और इससे बढ़ के कि वो कवानीन जो पाकिस्तान पिनल कोड के अंदर अभी स्पेशली चाइल्ड प्रोनोग्राफी के लिए प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने इसमें इंसर्ट करवाए हैं, वो भी जो है इस वक्त प्रिवेल कर रहे हैं। ये जुर्म हर जगह पे मौजूद है, इसकी गिरफ्त के लिए एक मुल्क दूसरे मुल्क के साथ रابطे में रहता है। बहुत सारे साइबर क्राइम के इश्यूज ऐसे हैं कि हम इंडिया के साथ, हमारी गवर्नमेंट, हमारी मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर जो है, हमारे जो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज हैं, लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसीज हैं, वो इनके साथ मिलके काम करती रहती हैं, और एक दूसरे के साथ हम मिलके एम्बेसीज जो हैं इन मुजरमों को गिरफ्तार करवाने में और सजा दिलवाने में अपना किरदार अदा करती हैं। सोशल प्रेशर्स किसी भी किस्म के हों उसके लिए स्टेट जिम्मेदार है कि उनको तहफ्फुज़। सोशल प्रेशर्स की आप बात कर रही हैं तो एक टैबो का शिकार मालूम होते हैं मुतासरीन। आपका इदारा इसमें कोई किरदार अदा कर सकता है मुतासरीन को जिस स्टिग्मा का ये शिकार है उससे निकालने के लिए, कि कायल कर सके कि ये सामने आए, बयान दें और इंसाफ हासिल करें, इंसाफ के लिए बात करें, आप कर सकती हैं कुछ? वो पेरेंट्स जो बच्चे इसमें हैं इन्वॉल्व, जिनका नाम है या उन खानदानों का बीच में जिक्र आ रहा है, उनके लिए हमारा चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो का ऑफिसर्स, हमारी रेस्क्यू टीम्स, हमारे साइकोलॉजिस्ट, हमारे डॉक्टर्स, हमारे सोशल रेस्क्यू ऑफिसर्स, सारी की सारी टीम जो है FIA के साथ, इन पेरेंट्स के साथ एक ब्रिज के तौर पर काम कर रही है। इसमें इसकी प्रोसिक्यूशन के ऊपर आप यकीन रखिए कि इंशाल्लाह हम किसी तरह से भी कोई कमी नहीं होने देंगे, अदालतों को पूरी तरह असिस्ट क्लियर करेंगे और इंशाल्लाह ताला प्रोसिक्यूशन टाइट होगी। पेरेंट्स को सोशल प्रेशर से निकालने के लिए उनके साइकोलॉजिकल काउंसलिंग प्लस उनके सोशल सेटअप्स मजबूत करने के लिए उसने तकरीबन 10 दिन पहले से जो है अपना काम स्टार्ट किया हुआ है और हम उनके साथ इन कॉन्टेक्ट है। बहुत शुक्रिया सबा सादिक साहिबा हमारे साथ मौजूद थी, और जैसा कि वो कह रही थीं कि बिल्कुल उनका इदारा तो मदद करेगा, लेकिन बहुत अहम मामला है, पूरे पाकिस्तान को इस खबर ने परेशानी में मुब्तला कर दिया है, हिला के रख दिया है। यहाँ पर प्रोग्राम ख़त्म होता है, आपसे इजाज़त चाहेंगे, अल्लाह हाफ़िज़।